हम अनेक कवियों को पढ़ते आ रहे हैं और प्रेम की जो पराकाष्ठा है, वैयक्तिक अनुभूतियों की जो सर्वोत्तम ऊंचाइयों को छूने वाले कवि हैं, रीतिमुक्त कवियों की धारा में आने वाले सर्वश्रेष्ठ कवियों की गिनती में कवि घनानंद की गिनती भी अग्रगण्य कवियों में की जाती है। उनके इस कवित्व को हम इस प्रकार देखते हैं। नैनन में लागे जाए जागे सु करेजे बीच, या बस वै जीव धीर होत लोट पोट है, रोम रोम पूरी पीर व्याकुल सारा महा, धूम मति गति आसे प्यास की न टोट है, चलत सजीवन सुजान दृग हातन ते, प्यारी अनियारी रुचि रखवारी ओट है, जब जब आवे तब तब अति मन भावे, आहा कहाँ विषम कटाक्ष सर चोट है। कवि कहते हैं, नैनन में जाए लागे जाए कि हे प्रियतम सुजान, तुम्हारे जो कटाक्ष रूपी तीर हैं वो किस तरह से मुझे घायल करते हैं कि लगते तो मेरे नेत्रों में जाकर है, तुम्हारी और मेरी दृष्टि जब समकक्ष होती है, दोनों के नेत्र जब मिलते हैं तो तुम्हारे जो सर कटाक्ष हैं वो मेरे नेत्रों में जाकर लगते हैं, जागे सु करेजे बीच, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो मेरे कलेजे में मेरे हृदय में उत्पन्न होता है। देखिए, यहाँ असंगति के माध्यम से वर्णन किया है कि तीर जाकर लग रहा है नेत्रों में लेकिन कलेजे में उसकी पीड़ा उत्पन्न हो रही है। या बस वह जीव धीर होत लोट पोट है, और इसी कटाक्ष के माध्यम से, इसी सर के माध्यम से जब पूरा शरीर उसकी गिरफ्त में आ जाता है, उसका प्रभाव पूरे शरीर में इस तरह से छा जाता है कि उस प्रेम रूपी पीड़ के वशीभूत होकर जीव धीर, मेरा जो धैर्य धारण करने वाला, मेरा जो सुदृढ़ शरीर है, मेरा जो जीव है वो लोटपोट हो जाता है, वो व्याकुल हो जाता है और प्रेम की पीड़ा के मारे वो तड़पने लगता है। रोम रोम पूरी पीर, और मेरे प्रत्येक रोम रोम में प्रेम की जो पीड़ा है वो आपूरित हो जाती है। व्याकुल सारा महा, और मेरा जो सारा शरीर है वो व्याकुल हो जाता है। धूम मति गति आसे प्यास की न ओट है, और जो मेरी जो बुद्धि है वो ऐसा लगता है जैसे धुएं से घिर गई हो, अर्थात मेरी चेतना है वो समाप्त होने की स्थिति में आ जाती है और कोई रास्ता कोई गति मुझे समझ में नहीं आती। प्यास की न टोट है, और जिस तरह से व्यक्ति तड़पने लगता है, व्याकुल होने लगता है, तो उसके शरीर में बार बार पानी की कमी आकर उसको लगता है कि मेरे होंठ सूख रहे हैं, मुझे कोई पानी पिलाए, उसी तरह से तुम्हारे दर्शनों की जो पिपासा है, तुम्हारे दर्शनों के प्रति मेरी जो उत्कंठा है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि प्यास का कोई टोटा भी नहीं रहता, अर्थात तुम्हारे दर्शनों की अभिलाषा मेरे मन में बार बार उत्पन्न होती है। चलत सजीवन सुजान दृग हाथन थे, सुजान मेरे जो प्रियतम सुजान है, सजीवन जो एक रूप में तो मेरे प्राणों को जीवन देने वाले हैं, मेरी संजीवनी जड़ी के समान है, लेकिन प्राणों के जीवन धार, प्राणों को देने वाली जो संजीवनी मेरी सुजान है, उसके नेत्र रूपी हाथों से, क्योंकि बाण हाथों से चल रहे हैं और यहाँ जो सुजान के बाण हैं वो नेत्रों से चलते हैं, जो कटाक्ष हैं वो नेत्रों के माध्यम से होते हैं, तो मेरे जीवन को प्राण देने वाली जो मेरी प्रियतमा सुजान है उसके नेत्र रूपी हाथों से जब ये बाण चलते हैं तो प्यारी अनियारी रुचि रखवारी ओट है, वो सीधे रूप में इन बाणों से मुझे घायल नहीं करती, बल्कि प्यारी अनियारी मेरी अनोखी जो प्रियतमा है वो अपनी रुचिपूर्ण, वो अपनी सुरुचि से, वो अपनी सौंदर्य से, और सौंदर्य के साथ साथ एक जो अनूठा ढंग है उससे रखवारी ओट लेकर, जिस तरह से एक सैनिक होता है वो अपना बचाव करके सामने वाले पक्ष को घायल करता है, उसी तरह से जो प्रियतम सुजान है वो अपने आंचल की ओट को कुछ इस प्रकार से रखती है कि उनके जो नेत्र हैं वो मुझे घायल करते हैं और दोबारा इसी ओट में छिप जाते हैं, इस तरह से वो अपने पल्लू या अपने आंचल की ओट से और बड़े सुरुचिपूर्ण ढंग से मुझ पर अपना प्रहार करती है। जब जब आवे तब तब अति मन भावे, अब देखिए विरोधाभास है यहाँ पर कि कोई व्यक्ति को यदि बाण बार बार लगे तो वो उसको अच्छा कैसे लग सकता है, पीड़ादायक जो वस्तु होगी उसको व्यक्ति कभी चाह नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर जो कटाक्ष रूपी बाण है वो बाण जब जब आवे, जब जब मुझे घायल करने के लिए आते हैं, तब तब अति मन भावे,
तब तब मन को अत्यधिक अच्छे लगने वाले प्रतीत होते हैं। घायल होकर भी, पीड़ित होकर भी, उत्कंठित होकर भी मैं बार बार चाहता हूँ कि उन बाणों से मैं घायल होता रहूं। मुझे मेरे मन को वो बहुत ही भाने वाले होते हैं। आह कहाँ विषम कटाक्ष सर चोट है कि हे विधाता, तुमने ये कटाक्ष रूपी जो बाण दिए हैं वो बड़े ही विषम दिए हैं, बड़े ही कठोर हैं, बड़े ही वेदना देने वाले हैं, लेकिन ये व्याकुलता फिर भी मनमोहक है और बार बार मैं इन कटाक्ष रूपी बाणों से घायल होने की कामना करता रहता हूँ। इस प्रकार असंगति और विरोधाभास के माध्यम से यहाँ पर घनानंद ने प्रेम की पीड़ और फिर भी उस पीड़ा को बार बार प्राप्त करने की जो उत्कंठा है, जो अनूठी कामना है, उसका बहुत ही सुंदर रूप में वर्णन किया है। पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हैं। इसके अलावा विशेष रूप से असंगति और विरोधाभास भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। माधुर्य गुण और विप्रलम्ब श्रृंगार के माध्यम से यहाँ पर घनानंद ने प्रेम की पीड़ का वर्णन किया है। अब आइए घनानंद के अगले कवित्व की ओर हम चलते हैं। दीननी के फेर सु भयो है हेर फेर ऐसो, जाको हेरी फेरी हेर बोई हिर बो करे, सर गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, करी करी धोस रैनी प्राण घटे बो करे, खेत खेत धूरी चूरी चूरी सांस पाव राखी विष समू देग बाण आगे उर ओटी बो, जान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन भूली तू न सुमरी परे खे चख चोटी बो, तीने यो सिराही छाती तोहे वो लगत ताती तेरे बाट आयो है अंगारनी पे लोट बो। जिस जिसने प्रेम किया है संसार में उसको सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। प्रेम है, प्रेम से पहले पीड़ा व्यक्ति को सन्नद मिलती ही मिलती है। कविता की जो शुरुआत है या कविता कैसे लिखी गई उसके संबंध में पंत जी की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से अनजान कविता बही होगी। तो उसी तरह से प्रेम है वो अपने साथ पीड़ा को लेकर जरूर आता है। दिननी के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो, घनानंद कहते हैं कि मेरा दिनों का कुछ फेर फेर है, मेरा जो समय है वो इस समय प्रतिकूल है और इस प्रतिकूलता के कारण ही कुछ ऐसा हेर फेर मेरे जीवन में हो गया है, कुछ ऐसे रास्ते मेरे जीवन में इधर उधर हो गए हैं कि जिसकी वजह से मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरी चेतना को ये पता नहीं चल रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जाको हेरी फेरी हेर बोई हिर बो करे कि उस प्रियतम को एक बार मैंने हेरी का अर्थ देख लिया, यदि उस प्रियतम का एक बार मैंने सामना कर लिया, उस प्रियतम के रूप सौंदर्य को मैंने एक बार देख लिया फेरी, तो फिर हेरी बोई हिर बो करे, मैं उसमें इतना खो जाता हूँ कि प्रतिपल उसको ही ढूंढता रहता हूँ और खुद भी कहीं गुम हो जाता हूँ। अर्थात मेरे सुजान प्रियतम का रूप ऐसा अनोखा है कि उसको देखने के बाद मुझे खुद की भी सुध बुध नहीं रहती। गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, करी करी धोस रैन प्राण घट घोटी बो, गरल गुमान मेरा जितना भी गुमान था, मेरा जितना भी अपने प्रति गर्व था, वो सारा गरावनी, वो सारा गलकर बह जाता है। और प्रियतम का जो रूप सौंदर्य है उसका जब मैं पान करता हूँ, उस आनंद को जब मैं प्राप्त करता हूँ, तो उस आनंद का प्राण करी करी धोस धोस अर्थात दिन रात मैं लगातार उस कठिन विष को, प्रियतम के उस सौंदर्य को, उस घमंड को, क्योंकि प्रियतम ने एक बार मुझे दर्शन दिए उसके बाद मुझे उपेक्षित कर दिया, तो उस गुमान की जो उपेक्षा का है पान है, जो उस विष का जो पान है करने के बाद रैन धोस रात दिन प्राण घट घोटी बो, मैं अपने प्राणों को निरंतर घोटता रहता हूँ। मुझे पता है कि प्रियतम का ये जो रूप का घमंड है वो जहरीले विष के समान है, लेकिन बार बार मैं इसका पान करता हूँ और उसी में अपने प्राणों को, अपनी आत्मा को मैं घोटना चाहता हूँ। खेत खेत धूरी चूरी चूरी सांस, जिस तरह से एक वीर है वो युद्ध क्षेत्र में लड़ता है और उस धूल में उसकी जो प्रत्येक सांस है अपने प्राणपण से वो अपने प्राणों को लगाकर और युद्ध क्षेत्र में डटा रहता है, उसी तरह से हेत खेत प्रेम रूपी क्षेत्र में धूरी चूरी चूरी सांस, प्रेम
क्षेत्र की, प्रेम के खेत की, उस रण क्षेत्र की धूल जब उड़ती है तो उसमें मेरी सांस भी चूर चूर हो रही है। कहने का तात्पर्य है ये है कि प्रेम के रण क्षेत्र में मैं उतर गया हूँ और उसमें उतरने के बाद मुझे जो पीड़ा प्राप्त हो रही है उससे मेरी सांसें हैं वो निरंतर अब टूटती जा रही है। प्रियतम की वेदना में मैं निरंतर दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा हूँ, मेरी सांसें हैं वो दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है। पांव राखी लेकिन फिर भी मैंने अपने प्राण पांव हैं वो डटा रहे हैं किसी भी तरह से, इस आशा में कि प्रियतम को मुझ पर दया आएगी और वो मेरे प्रेम को समझेंगे। मैं अपना हौसला बनाए हुए हूँ, विष समुदेक बाण आगे उर ओटिबो। और जिस तरह से एक वीर है वो विष से जहर से बुझे हुए बाणों के सामने आकर अपनी वीरता का, अपने शौर्य का प्रदर्शन करता है, उसी तरह से प्रियतम की जो उपेक्षा है उसके बाणों के सामने मैं अपने हृदय को प्रस्तुत करता हूँ। उसकी उपेक्षा को, उसका जो मेरी तरफ ध्यान नहीं देने का, मुझे तिरस्कृत करने का जो भाव है उसको भी मैं बड़े श्रद्धा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ मैं उसको ग्रहण किए बैठा हूँ। जान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन आनंद को बरसाने वाले बादल के समान जो मेरे सुजान प्रियतम हैं, यदि वो मेरे सामने नहीं आते, मुझे दर्शन नहीं देते, या अपने मन में मेरे प्रति तनिक भी कोई प्रेम का या अपनेपन का भाव नहीं रखते हैं, भूली तू न सुमिरो, लेकिन मैं भूल कर भी प्रियतम को भूल नहीं सकता। परेखे चख चोटी बो, चख अर्थात मेरे नेत्रों में मैं निरंतर उनके जो रूप सौंदर्य की चोट है उसको खाता रहता हूँ। यहाँ ये कहना ये चाहते हैं घनानंद कि कैसा भी भाव हो, प्रियतम मुझे कितनी भी उपेक्षा की दृष्टि से देखे, कितना भी मुझे ध्यान नहीं करे, कितना भी मेरा निरादर करे, लेकिन प्रियतम को मैं भूल से भी भूल नहीं सकता। उस सुजान प्रियतम का ध्यान मेरे मस्तिष्क से, मेरे हृदय से कभी भी हट नहीं सकता है। तीने यो सिराही छाती, और इस तरह से उपेक्षा करके, मेरी तरफ ध्यान नहीं देके, मुझे वेदना में पीड़ित देखकर सिराही छाती, उनकी छाती है वो बड़ी शीतलता का अनुभव करती है, उनको बड़ी ठंडक महसूस होती है। तो ही वो लगत ताती, मुझे वो वेदना, वो प्रेम की पीड़ जितना तपन प्रदान करती है, जितनी गर्म लगती है, जितनी मुझे जलाती जाती है, उसी तरह से उतनी उतनी ही शीतलता उनके हृदय को प्राप्त होती है। तेरे बाटे आयो है अंगारनी के लोटी वो, इस तरह से घनानंद कहते हैं कि हे घनानंद, सुजान प्रियतम तुझे पीड़ित देखकर अपने आप को बड़ा ही भाग्यवान महसूस करती होगी, बड़ी शीतलता का अनुभव करती होगी, लेकिन प्रेम करने में, माना तो ये जाता है कि प्रेम बराबरी का सौदा है, वहां पीड़ा ही पीड़ा है, लेकिन यहाँ सुजान को सुख शीतलता और आनंद मिल रहा है, जबकि विधाता ने तेरे भाग्य में अंगारनी पे लौटे व अंगारों पे लौटना ही लिखा है। अर्थात सच्चा प्रेम तूने किया है, इसलिए तेरे हिस्से में विरह वेदना आई है, प्रेम की पीड़ के जो सच्चे दर्शन है वो तेरे भाग्य में ही लिखे हैं। सुजान के भाग्य में आनंद है और तेरे भाग्य में ये वेदना की अनुभूतियां ही हैं। इस तरह से पुनरुक्ति, अनुप्रास और विरोधाभास के माध्यम से यहाँ घनानंद ने प्रेम की पीड़ा का बड़ा ही उत्कृष्ट और विरहानुभूत वर्णन किया है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम घनानंद के अन्य कवित्व को पढ़ेंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।